हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है कि इंडक्शन को हम प्रॉपर्ली कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लीवर्स के इश्यूज आए कि उनको इंडक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि जो इसमें एरर्स आती हैं उनसे रिलेटेड। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंडक्शन में जो भी फंक्शंस दिए होते हैं किस फंक्शन का क्या यूज़ है, साथ ही साथ एरर्स क्यों आती हैं, आपको कौन से पॉट्स उन पर यूज़ करने चाहिए, कौन से हमारे इंडक्शन के लिए बर्तन बने हैं, कौन से बर्तन का आप इंडक्शन पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं इंडक्शन से रिलेटेड वो सब मिलेंगी आपको आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए आपके पास और आप मेरे वीडियोज़ को देख पाएँ। क्योंकि मेरे चैनल पर होता है रोज एक वीडियो अपलोड, अब वो हो सकता है किसी रेसिपीज का, कोई किटी गेम, कोई टिप्स या फिर कोई ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है इंडक्शन। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि रिको के इंडक्शन पर आप कैसे काम कर सकते हैं, सारे फंक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने कर दिया है स्विच ऑन। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ब्लैंक है, मीन्स कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। यहाँ पर शो करता है आपका टेम्परेचर, जहाँ पर ये रेड कलर का ब्लिंक हो रहा है, और ये जो दो सर्किल दे रखे हैं ये इसके मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ के बर्तन के लिए है। छोटा वाला मीन्स जो आप बर्तन इस पर यूज़ कर रहे हैं उसके तले का सरफेस छोटे वाले से कम नहीं होना चाहिए, साथ ही में बड़े वाले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये एरर शो करता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है जो भी हम साइज़ लेते हैं वो छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा होना चाहिए, और जो भी आप इंडक्शन पर बर्तन यूज़ करते हैं वो इंडक्शन सपोर्टेड होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटे वाले सर्किल से छोटा इसका सरफेस है। जो कटोरी मैंने इस इंडक्शन के ऊपर रखी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गई है इवन एरर। इवन एरर इंडक्शन पर तब शो करती है जब ये कोई बर्तन डिटेक्ट नहीं करता है। जैसे कि मैंने अभी ऑन किया, यहाँ पर टेम्परेचर इसने दिखाया और जस्ट विद इन सेकेंड इसने इवन एरर शो कर दी, मीन्स कि यहाँ पर कोई भी बर्तन नहीं है। तो अगर आप इससे छोटे सरफेस का बर्तन इस पर रखते हैं तो यही डिटेक्ट करेगा कि कोई भी बर्तन इस इंडक्शन पर नहीं है, तभी इवन एरर आती है। अब मैं रखती हूँ इसके ऊपर दूसरा बर्तन जो कि एल्यूमिनियम का है और साथ ही साथ इंडक्शन सपोर्टेड है, क्योंकि इसके पीछे ये प्लेट लगी हुई है जो कि इंडक्शन सपोर्टेड होती है। तो अब इस बर्तन को मैं इस सरफेस के ऊपर रखूँगी जो कि इंडक्शन का सरफेस है, और आप देख सकते हैं कि बड़े वाले सर्किल से छोटा है इसका सरफेस और छोटे वाले सर्किल से बड़ा है इस फ्राई पैन का सरफेस। तो अब मैंने इसको ऑन किया और मैंने इसको रख दिया है स्टीम पर। तो इसका टेम्परेचर यहाँ पर शो कर रहा है 2000, ये इसका 2000 वॉटेज है, मैक्सिमम टेम्परेचर है इसका ये। और अब मैं इसमें आपको दिखाती हूँ पानी बॉयल करने के लिए। तो मैंने इसको यहाँ पर स्टीम पर रखा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं लाइक सूप, मिल्क, स्टीम, स्टर फ्राई या फिर जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको किस टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑन किया तो ये वर्क नहीं करेगा। सबसे पहला स्टेप है आपको ये प्रेस करना है रेड बटन, देन आप इसको प्रेस कीजिए जो कि मैंने प्रेस किया है सूप। इसमें ये शो कर रहा है 1600 एंड 2 आवर्स। तो इसमें क्या होता है, जो सूप का ऑप्शन है इसके अंदर, इसमें आप टाइम को सेट नहीं कर सकते हैं, ये मैनुअल होता है। इसमें 2 आवर्स दिखाएगा, बट आपका सूप जब बन जाए तब आप इसको ऑफ कर दीजिए। 1600 इसका वॉटेज दिखा रहा है, टेम्परेचर इसका डिफरेंट होता है, कहीं पर डिग्री सी में दिखाएगा, कहीं पर वॉटेज में दिखाएगा। अब मैंने इसको अगेन ऑफ किया, अगेन ऑन किया, तब मैंने इसमें ऑन किया है मिल्क वाला, तो इसमें आपको टेम्परेचर दिखाएगा 60°C। इससे पहले जो टेम्परेचर दिखा रहा था वो था 1600 वॉटेज। तो अब जब मैंने यहाँ पर 60 सेट कर दिया है मिल्क का, तो अगर आप यहाँ पर टाइम सेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर भी टाइम नहीं सेट हो सकता है, ये मैनुअली ही होता है। जब दूध में उबाल आ जाए तब आप इसको ऑफ कर दीजिए। जनरली जो रिको का इंडक्शन होता है वो क्लेम करता है कि वो 2 मिनट्स में 1 लीटर मिल्क बॉयल कर देता है। तो अब मैं यहाँ पे टाइम सेट करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये नहीं हो रहा है, तो इसमें आप टाइम सेट नहीं कर सकते हैं,
अगेन मैंने इसको ऑफ किया, अब मैंने ऑन किया है स्टीम वाला, तो ये है 200 वॉटेज जो कि है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर। इसमें भी अगर आप टाइम सेट करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो तीनों ऑप्शन होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, इसमें आप टाइम सेट नहीं कर सकते हैं, ये सब मैनुअली ही होते हैं, मीन्स आपको अपने आप ही अंदाजे से बंद करना होगा। अब ये आता है स्टर फ्राई जो कि शो करता है 280 डिग्री सी सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं, मीन्स आपको कितनी देर तक बर्तन गर्म करना है। तो मैंने यहाँ पर टाइम वाला बटन ऑन किया, तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्लिंक हो रहा है ये तो है आवर्स का, मीन्स 2 घंटे या 3 घंटे या 1 घंटे। जब इसका राइट हैंड साइड वाला ब्लिंक होगा तब होगा वो मिनट्स का। तो अभी तो है ये आवर्स का, और अब ये जब ब्लिंक हुआ है तो ये है मिनट्स, 56 मिनट्स, 57 मिनट्स या फिर 1 आवर 3 मिनट्स इस टाइप से। तो इस तरीके से आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माइनस वाले से मिनट्स इसके कम हो जाएंगे और प्लस वाले से इसके मिनट्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये 1 आवर शो कर रहा, ये है 280 डिग्री सी मींस इस टेम्परेचर पर, और ये है इसका टाइमिंग मींस 1 आवर के लिए। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए। अब इसको मैंने ऑफ किया है, अगेन मैंने स्टर फ्राई का ऑन किया। अब मैं इसमें दिखाती हूँ आपको टाइम एडजस्ट कैसे करते हैं, एक बार और देख लीजिए। तो 280 जो है वो मैक्सिमम इसका वॉटेज है, मींस 200 वॉटेज पर 280 डिग्री सी इसका टेम्परेचर होता है। तो इस पर आप अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टाइम प्रीसेट को एक बार प्रेस कीजिए, तो ये ब्लिंक करेगा मिनट्स वाला, आपने प्लस किया तो इससे ये मिनट्स इसके बढ़ते जा रहे हैं, मींस 5 मिनट्स के लिए हो गया है ये, आपने 5 मिनट्स के लिए रख दिया तो 5 मिनट्स बाद ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। अब आपने अगेन इसको प्रेस किया तो आप देख सकते हैं जब ये लेफ्ट वाला ब्लिंक करे तब है ये आवर्स का, मीन्स 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए आप रखना चाहते हैं वो ये शो करेगा। साथ ही में प्लस से बढ़ेगा और माइनस से ये घटेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप टेम्परेचर सेट करें, मिनट्स का अलग होता है, राइट हैंड साइड वाला होता है मिनट्स का और लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है आवर्स का, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको रखना है। अब मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है ऑफ। अब अगेन मैंने इसको ऑन किया और मैंने ऑन किया है हॉटपॉट वाला फंक्शन। तो आप देख सकते हैं ये है 1200 वॉटेज और इसका टेम्परेचर जो शो कर रहा है वो है 180 डिग्री सी। अब यहाँ से मैं इसको टाइम को सेट कर सकती हूँ। टाइम वाले को मैंने प्रेस किया तो मिनट्स वाला ब्लिंक होने लगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये टेम्परेचर भी इसमें एडजस्ट हो जाता है। सूप, मिल्क और स्टीम वाले में आप टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, बट स्टर फ्राई और हॉट पॉट वाले में आप टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं। मींस जो इस इंडक्शन में बीच में डिस्प्ले दिखाई दे रहा है जहाँ पर सारा टेम्परेचर और मिनट्स आ रहे हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फंक्शंस हैं उनमें आप टाइम सेट नहीं कर सकते हैं और उनमें आप टेम्परेचर को भी सेट नहीं कर सकते हैं, वो प्रीफिक्स्ड हैं, मींस पहले से ही डिफाइंड हैं। जो राइट हैंड साइड वाले हैं उनमें आप टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड टाइम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस करके टाइम को भी घटा बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैंने अगेन इसको ऑन किया है और मैं आपको दिखा रही हूँ, प्लस कर रही हूँ, तो ये टेम्परेचर जो इसका टाइम है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी ये मिनट शो कर रहा है, मींस 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया है। 5 मिनट्स के लिए मैं इसको बॉयल करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि ये अपने आप ही माइनस होता चला जाता है। ये जो 1600 शो कर रहा है ये इसका टेम्परेचर है, मींस वोल्टेज, और ये जो 05 शो कर रहा है ये है इसका टाइम, मीन्स आफ्टर 5 मिनट ये खुद ही बंद हो जाता है, आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो राइट हैंड साइड वाले हैं उसमें आप अगर टाइम फिक्स कर देते हैं तो ये उतने टाइम बाद ही खुद बंद हो जाता है, बट जो लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर आपने फंक्शन अप्लाई किया है तो उसमें ये खुद ही बंद नहीं होगा, आपको अपने आप ही आपके अंदाजे से बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसमें टाइम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप इसमें टेम्परेचर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस टाइप से वर्क करता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें दिखा रहा है 1605 मिनट्स, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये खुद ही कम हो जाता है। जस्ट लुक एट दिस, ये हो गया 1600 एंड अब आ गया है वहाँ पर 4 मिनट्स, क्योंकि हमें इसको रखे हुए 1 मिनट हो चुका है। जैसे ही ये चारों ज़ीरो हो जाएंगे तब ये इंडक्शन अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके सारे फंक्शन पर वर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको इसमें देखना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है तो उसको आप देख सकते हैं इस ग्रीन बटन से, जो कि शो करता है आपको जब आप कोई भी फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, मींस स्टीम का, सूप का या फिर हॉट पॉट का, जो भी आपने
फंक्शन अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपको प्रेस करना है राइट मोस्ट में ग्रीन सिंबल वाला बटन। जब आप इसको प्रेस कर देंगे तब आप देखेंगे कि आपके अप्लायंस में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 205 वोल्टेज, बट इसके लिए जो आइडल वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट पर ये मैक्सिमम एनर्जी सेविंग होता है। और इस तरीके से आप इंडक्शन का यूज़ अपने घर में ईजिली कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसके सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। जब आप इस पर काम कर चुकें तब उसके बाद आपको एक सूखा कपड़ा लेना है और उससे इसको अच्छे से क्लीन करके रख देना है। ध्यान रखिएगा कभी भी गर्म इंडक्शन पर गीला कपड़ा ना करें, उससे इस इंडक्शन के ऊपर का जो ग्लास होता है उसके टूटने का डर रहता है। तो हमेशा जब ये इंडक्शन थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसे सूखे कपड़े से पोंछ दें, गीले कपड़े से कभी ना पोंछें। अभी आपको इसे ऑन ही रहने देना है जब तक इसके पीछे जो होता है ये फ़ैन, ये होता है वेंटिलेशन फ़ैन, जब तक ये ऑफ़ ना हो जाए खुद तब तक आपको इसे ऊपर से ऑफ़ नहीं करना है। मींस आपको इसका स्विच ऑफ नहीं करना है, बिकॉज़ ये जो फ़ैन होता है ये इंडक्शन को कूल डाउन करने का काम करता है। जब आप इस पर वर्क करते हैं तो इंडक्शन अंदर से हीटअप हो जाता है और ये फ़ैन उसको कूल डाउन कर देता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जब फ़ैन ऑफ़ हो जाए तब आप इसका स्विच ऊपर से ऑफ कर दीजिए, तब आपका इंडक्शन बिल्कुल सेफ है, बट उससे पहले आप इसको बिल्कुल भी ऑफ ना करें। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने जाना होगा कि आपको इंडक्शन को किस टाइप से यूज करना चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जिससे कि आपका इंडक्शन लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है आप लोगों को तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।